जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज पाकिस्तान नीड इंडिया हेल्प से नवाज शरीफ। हाँ तो दोस्तों, नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने भाषण में ये भी बोला है कि हमें भारत के साथ, मतलब कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क जितने भी, उन लोगों के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। ये सब कुछ बात हुई है, लेकिन हालांकि वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। वाजपेयी, आंझानी वाजपेयी आया था यही मीनारे पाकिस्तान में, और इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले उसने कहा था कि पाकिस्तान बनते वक्त हम पर बड़े घाव लगे थे, मगर आज हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। किसके सामने कहा था? इस नवाज शरीफ के सामने कहा था। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी, जो नेबर्स है पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, करने चाहिए, और नेबर्स के साथ या पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए बगैर जो है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा कहना है और यह कहना था नवाज शरीफ साहब का। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमसे जो लक्ष्य हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गया, अल्लाह उनको भी माफ कर दे। ए, हमारे जो उनसे हालात है ना, हाँ, इसको देख मद्देनजर रखते हुए मैं भी, हो सकता है कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात है इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन, वो बहुत आगे चले गए सर, वो टू मच आगे चले गए हमारे से अफगान। नवाज शरीफ से सवाल पूछना चाहता हूँ, कब तक कठपुतली रहोगे? कब तक कठपुतली रहोगे? और लाने वालों से भी सवाल करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ को भी मैं जानता हूँ, तो जैसे वो ज्यादा देर कठपुतली नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? कब कतार कहोगे? कब चोर कहोगे? असद का उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ था, भारत की तरफ उनका इशारा था, और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक के उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। मोदी साहब हैं, हाँ, बगैर वीजे के इनकी शादी पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, इनको चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करें, जो भी है मामला, हाँ, उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। और जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान के आने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ, आप लोग जानते भी होंगे, ये 2 से 3 दफा पाकिस्तान के पीएम भी बन चुके। अब दोस्तों, बड़ी सी बड़ी रैली में जा रहे हैं, बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। अभी एक रैली में उन्होंने कहा हमें भारत के साथ फ्रेंडशिप वाले रिश्ते बनाने पड़ेंगे, कश्मीर इशू पे हमें पीसफुल होकर टॉक करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता, कश्मीर इशू है क्या? इशू तो पीओके का है, पीओके भारत को कब दे रहे हो? इशू तो ये है, इस पर बात करना चाहिए। खैर, ये कुछ भी बकते रहते हैं। दूसरी तरफ हर जगह जाके यही बातें करते हैं कि भारत से ट्रेड शुरू करना होगा, भारत से ट्रेड शुरू करना होगा। लेकिन ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारत ट्रेड शुरू करेगा तब ना तुम शुरू करोगे, भारत तो खुद ही नहीं करेगा तुम्हारे साथ ट्रेड। आतंकवादियों के साथ भारत कभी ट्रेड नहीं करता, ये भारत की पॉलिसी रही है, खास करके जो करंट गवर्नमेंट है उसकी तो एक दृढ़ पॉलिसी है, एक हार्ड पॉलिसी है, एंटी टेररिज्म के खिलाफ ये गवर्नमेंट है हमेशा से, सबको पता, पूरी दुनिया को पता है। एंटी टेररिज्म के नाते ही हमने इसराइल का साथ दिया हमास के खिलाफ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तक ये टेररिज्म कम नहीं करेंगे, जब तक इनकी पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल नहीं करेगी ये सब मिलिटेंट को कश्मीर में घुसाने को लेकर, तब तक आई डोंट थिंक कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए भारत टॉक नहीं करने वाला। क्या नवाज शरीफ वापस आए हैं, उनके आने के बाद हमारे नेबर कंट्रीज के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, ट्रेड दोबारा से हमारी रिज्यूम होगी या नहीं होगी? इस पर साथ इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री जितने भी हैं, सर लगता तो नहीं है, लेकिन इनको करना चाहिए। ठीक है। इनको जैसे मोदी साहब हैं, हाँ, बगैर वीजे के इनकी शादी पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, इनको है। चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करें, जो भी है मामला, हाँ, उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो उनसे हालात है ना, हाँ, इसको देख मद्देनजर रखते हुए मैं भी, हो सकता है कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात है इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन, वो बहुत आगे चले गए सर, वो टू मच आगे चले गए हमारे से अफगानिस्तान। लेकिन देखिए, हमारे पीसीबी को खरीदा उन्होंने, पाकिस्तान का अमेरिका क्या हाल किया है, ये हमारा जका अशरफ गया है, वो हमारे से इसलिए आगे हैं कि वो हमें खरीद लेते हैं। ठीक है। नहीं, हम इतना आसानी से कह देते हैं कि वो आगे हैं, देखें हम क्यों नहीं आगे, मुझे हमारे हुक्मरान हमें आगे नहीं जाने देते, हमारे हुक्मरान जो भी है सब गलत है,
ये नवाज शरीफ आ रहा है किस लिए आ रहा है, ये किस चक्कर में गया था? ये इधर से पाकिस्तान के एक नई उम्मीद जब ये गया था, क्या कह के गया था कि मैं बीमार हूँ, मेरी आखिरी स्टेज है। ये चार साल उधर रहा है, घूमता फिरता रहा, रेस्टोरेंट में खाने खाता रहा, आज ये वापिस आ रहा है बिल्कुल तंदुरुस्त होके आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये लोग सब गद्दार है, ये चोर है, ठीक है, ये चोर है, ये चोर है। नहीं, क्या समझते हैं आपके फिर कौन, मतलब नवाज शरीफ साहब को आप जो सर, एक जो हमारा आपके सामने एक बंदा आया था, अगर वो गिरफ्तार होता आज वो भी पाकिस्तान से बाहर होता, ठीक है, उसको बड़ी ऑफरें आई है, तुम्हारे सारे केस खत्म कर देंगे, हाँ। ये कर देंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ दो। वो सच्चा है, हक सच पे है, वो बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, वो काट रहा है। अच्छा, वो एक लीडर बन के आया था, उसने हमारी कौम में शऊर पैदा किया है, उसने बताया कि ये सियासत क्या है, अपने उसने एक आम आदमी की जिंदगी उसने बताया कि कैसे जीना है। मुझे बताएं, आज हम बड़ा आसानी से ये कह देते हैं कि भाई इंडिया हमारे से आगे निकल गया, वो बहुत आगे, जैसे ये भाई कहने, नो डाउट है भी है, लेकिन देखें हमें भी तो आगे निकलने की जरूरत है, हमें भी टेक्नोलॉजी में वर्क करने की जरूरत है, हम भी किसी दिन फखर से कहें कि पाकिस्तानी है हम, और हम जो इस चीज में किसी भी कंट्री से आगे हैं, हम ये क्यों नहीं कह पाते? हम जो टेक्नोलॉजी में है ना, ये अरफा करीम हमारी 9 साल की बहन थी, छोटी बेटी थी, बहुत आगे है। हाँ। बात वही है कि जब हमारे हुक्मरान ही सिंसियर नहीं होंगे तो हमने कहाँ से आगे जाना नहीं मिलेगा। हाँ, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर यही हम सिंपल सी बात है, यही भाई ने बात की है कि हमारे हुक्मरान अगर हमें चाहेंगे रिलीफ देना, तो हम या हम ये एक टाइम आना है कि हमारे मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, लेकिन अगर ये लोग हमारे सर पे रहेंगे तो समझ लें कि फिर आने वाले वक्तों में हम सब कब्रों में होंगे और इनकी औलादें जी रही होंगी और खा पी रही होंगी। अब वो देखे ना, सुनने में ये भी है कि वो मरियम नवाज की बेटी की जिसके शादी हुई है, बेटे की, हाँ। वो उसने ये बयान दिया है कि जहां जाते हैं मरियम के पापा चोरा के नारे लगते हैं, जिसकी वजह से उसने डिवोर्स ले लिया उससे। तो इनका अपना खानदान जो है, पर्सनल फैमिली मैटर है, वो नहीं डिस्कस करना चाहिए। पर्सनल तो किस लिए हो रहा है? असद का उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ था, भारत की तरफ उनका इशारा था, और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक के उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारे चक्कर में, इस सारी बातचीत में शायद नवाज शरीफ साहब अपने दामाद को भूल गए, जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही एक पॉलिटिकल रैली में बात की और कहा कि जी हमें गजवा हिंद करना है, हमने जो है वो जहाज पे जाना है, और तमाम लोगों को उन्होंने जहाज पे जाने का मशवरा दिया। तमाम लोगों से उन्होंने ये कहा कि जी आप लोग जहाज पे जाइए, और इसके अलावा ये भी कहा कि गजवा हिंद करना है, मुसलमानों उठ जाओ। तो कोई भी कंट्री है वो तब तक अपना डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता जब तक उसके हमसाये के साथ तल्लुक ना बेहतर हो। नवाज शरीफ साहब, आपको क्या लगता है नेबर्स के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ जो हमारे तल्लुकात है खराबी की तरफ ही जा रहे हैं, हमने ट्रेड भी बंद कर दी और तल्लुकात, क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब तल्लुकात बेहतर कर पाएंगे? सर जी, नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह इनकी अपनी वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ये कभी भी इंडिया से तल्लुक खराब नहीं करेंगे, इंडिया के अंदर अच्छा कभी भी अपने तल्लुक खराब नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी तल्लुक खराब नहीं करेंगे इंडिया के साथ। नहीं, इंडिया में ये अक्सर लोग कहते हैं जी इंडिया में नवाज शरीफ साहब की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, किस चीज की? कोई कंपनीज हैं, कोई फैक्ट्रीज हैं क्या? इनकी शुगर मिले हैं वहाँ पे। अच्छा। इनके वहाँ पे सरिया वगैरह है यहाँ पे मिले हैं। बेसिकली नवाज शरीफ जो है ना, मैं आपको बताऊँ, बिजनेसमैन आदमी है। हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको, इसने करप्शन जो की है ना, ये करप्शन ना करता, ये बिजनेस में जाता ना, बिजनेस में सबको बिजनेस के रास्ते पे डालता, हर बंदा बिजनेस करता, यकीन करें। सदर यहाँ पे किसी के अलावा किसी ने बंदा ही नहीं था सदर, नवाज शरीफ के अलावा। ये जो देखने वाले हैं ये जरूर बताइएगा कि ये भाई कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके इंडिया में शुगर मिल रहे हैं, और क्या भाईजान उनके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, स्टील मिल भी है, स्टील मिल भी है उनकी। कौन से शहर में, मतलब कोई देखे आज के दौर में स्टील मिल छुपी? मैं बताता हूँ आपको, नहीं नहीं नहीं, इंडिया में आप उन्होंने लेबर बिठाई है, ये नहीं कि खुद ही वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, ठीक है। पीछे जब ये लास्ट टाइम यहाँ से मुल्क से गए हैं काट करके, हाँ। इनको मोदी सरकार ने धमकी दी थी, क्या ये सारा कुछ वो मान के गए थे कि जी सारा कुछ हमने करवाया, करप्शन हमने करवाई है, वो बम ब्लास्ट का माने हैं, पता है किस किस चीज का माने हैं, ठीक है ना, सारा कुछ मान के गए थे उस टाइम। उसने कहा था कि अगर तुमने ये चीजें ना बोली, तुम्हारी यहाँ से कोई भी चीज यहाँ से 1 रुपया भी नहीं मैं जाने दूंगा, अच्छा, इधर से कारोबार रोक दूंगा। हाँ जी, कारोबार तुम्हारा यहाँ। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में आ चुके हैं और अभी से रैली स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बहुत नज़दीक है वहाँ पे इलेक्शन, और अच्छे से मतलब अभी जो भी भाषण है उसका, भाषण में उसका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ दिख रहा है, ऐसा पाकिस्तान मीडिया बोल रही है।
तो नवाज शरीफ भारत के साथ उसका झुकाव है, लेकिन अच्छी बातों में हो तो अच्छा है, लेकिन फिर ये जो लोग बोल रहे हैं ना गजवा हिंद करना उसका, हाँ, उसका जमान बोल रहा है अभी दो दिन पहले रैली निकलती और बोल रहा है हमें गजवा हिंद करना है, जिहाद पे जाना है। तो मतलब ये जो सोच भी रहे हो ना वो भी सोचो मत, अदरवाइज वो भी आपके अभी जहाँ पे आप रह रहे हो ना वो भी नहीं बचेगा आपका। तो ये समझ लो अब ये पुराना भारत नहीं है जिसको आप, क्योंकि आप लोग 20वीं सदी 19वीं सदी में जी रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत 20वीं सदी में जी रहा हो। भारत अभी जो है 21वीं सदी में है और 21वीं सदी का ये देश है और एशिया देश का स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है। तो ये आप मतलब ये जो जिहाद की बात आप करो आप सोचना बंद कर दो। अभी आपने देखा होगा इसराइल ने क्या हालत की है, हाँ तो ये सब कुछ होने वाला है फिर से। तो ये हमारा कंट्री तो सख्त खिलाफ है टेररिस्ट, हाँ, के खास करके टेररिज्म के खिलाफ तो सारे कंट्री है, पाकिस्तान को छोड़ के, हाँ। ईरान और इराक को छोड़ के बाकी सारे कंट्री उसके खिलाफ है। अच्छी बातें करो, देश का कुछ अच्छा हो ऐसी बातें करो पाकिस्तानियों, आपके वहाँ पे ट्रेड अच्छे बढ़े, आपके वहाँ की इकोनॉमी अच्छी जाए, ऐसी बातें करो ना। ये बात हमें तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, हमें रियायत करना है, हम ये कर लेंगे वो, ये लोग है ना, ये लोग जो है मेरे को लग रहा है यदि नवाज शरीफ जो भारत की अच्छी बात करेंगे तो मेरे को लग रहा है वो फिर से जैसे इमरान खान की बात हालत हुई वैसे हालत कर देंगे, क्योंकि इमरान खान का भी जब उसके हाथ में से कुर्सी गई वो भी भारत का मुरीद हो चुका था। तो इन सबको पता है कि हमारा कोई उद्धार ही नहीं है भारत के अलावा, क्योंकि अब भारत इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भीख का कटोरा लेके जाना होगा। तो पहले बात होगी भारत की कि भाई हम भारत से बात करके फिर आपसे बात करते हैं। जब लास्ट समय जब आप IMF के पास गए थे तब भारत की सलाह ली गई, उसके बाद इन लोगों को भीख मिली। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अभी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।